नमस्कार, फास्ट समाचार न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सिरवी। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। मां सरस्वती छात्र संगठन द्वारा आज SDM को ज्ञापन सौंपा, जिसमें मांग की गई कि नगर में जो निजी विद्यालय संचालित हो रहे हैं वह छात्रों के साथ मनमानी कर रहे हैं, अनावश्यक किताबों का बोझ ढोना पड़ रहा है, साथ ही स्कूल वाहन चालकों की मनमानी भी चरम पर है, क्षमता से अधिक बच्चों को बैठाते हैं, ना ही उनके पास अधिकृत बीमा है, ना ही कागज है और प्रशासन इस ओर कोई कार्यवाही नहीं कर रहा। ज्ञापन में मांग की गई कि जल्द ही कार्यवाही की जाए, नहीं तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। शिक्षा संस्थानों में जो अनियमितता पाई गई है उन्हें देखते हुए आज माननीय अनुभागीय अधिकारियों को ज्ञापन दिया, जिसमें जो वाहन है, जो वाहन चालक हैं, जो स्कूलों में लगाए गए हैं उनमें अनियमितता पाई गई, जहां बच्चों के बोझ का सवाल है, जहां बैगों का सवाल है, वो वजन से क्षमता से अधिक है, जबकि शासन के आदेशों की अवहेलना की जा रही है। शासन के आदेश हैं क्लास बाई क्लास उन वजनों का बैग को देखा दिया जाए, और कहीं ना कहीं देखा गया है कि जो किताबें और ड्रेस हम लेते हैं तो स्कूल बालक बोलते हैं कि आप एक ही स्थान से लें, उनके सीमित स्थान लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका वो कमीशन बना रहता है। तो आज इन्हीं मांगों को लेकर कि मां सरस्वती छात्र ने ज्ञापन दिया है तथा स्कूल बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उचित कार्रवाई कराने के संबंध। गंज बासौदा से ब्यूरो रिपोर्ट।